भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार यादव ने आज 14 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें बिहिया थाने अंतर्गत हत्या के कांड में संलिप्त दो मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही गिधा ओपी अंतर्गत डकैती कांड में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है एवं कोइलवर थाना अंतर्गत बालूघाट पर डकैती की योजना बनाई जा रही है। कांड में वांछित एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भोजपुर पुलिस के कुछ थाना के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं उसके लिए बुलाई गई है। पहला मामला बिहिया थाना अंतर्गत है। आप लोगों को ज्ञात है कि 8 जून की जो है रात्रि में जो है एक घटना हुई थी, जिसमें एक लड़के की डेड बॉडी जो है रेलवे ट्रैक के कुछ दूर पे जो है नौकरी को पाई गई थी। तो बाद में पता चला कि यह लड़का जो है रियाज अहमद था और ये कटैया बिहिया का रहने वाला था और उसकी हत्या हो गई थी और उसके जो है कुछ जो है उसके पीठ वगैरह से समथिंग उसकी हत्या की गई थी। तो उसके बाद एक SDPO जगदीशपुर के नेतृत्व में थाना अध्यक्ष भिया के साथ जो है एक टीम का गठन किया गया था, इसमें डेयरी टीम भी थी, लेकिन इसमें थाना अध्यक्ष ने जो है बढ़िया काम करते हुए जो है इसका पता किया। तो इसमें इन लोगों को कुछ चीज़ें पता चली थी कि इसमें लव अफेयर का एक मामला था और फिर फैमिली वालों ने भी नेम्ड जो दिया था क्योंकि उनको सबको पता था कि घटना की वजह क्या है। तो तीन लड़कों को उन्होंने जो है नेम्ड दिया गया जिन्होंने इसकी हत्या की थी। और लेकिन हम लोगों ने जब अभी गिरफ्तारी की है, हमारी टीम जब गिरफ्तारी कल की, दो लड़के गिरफ्तार हुए, एक छत से कूद के भाग गया है और इसमें और लड़कों का नाम आया है कि 4 से 5 लड़के और हैं जिन्होंने जो है मिल के जो है इसको जो है एक नाच देखने गया था कहीं और उसके बाद वहाँ से बाला फुसला के ले गए और रेलवे ट्रैक के पास सुनसान इलाके में ले जाके जो है और इसकी हत्या कर दी थी। तो इस तरीके से इस हत्याकांड का जो है दो मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हो गए, एक मुख्य अभियुक्त अभी बाकी है और अन्य जो सहयोगी थे उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगातार प्रयासरत है, बहुत जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। हाँ, ये मामला बता रहे हैं कि प्रेम प्रसंग का ही था क्योंकि दो लड़की एक थी जो है जो ये हत्या किए हैं लड़के, इनके घर की लड़की थी तो वो आपस में बातचीत वगैरह करते थे और उसी के क्रम में जो है ये बताया जा रहा है कि हत्या की गई है। और लेकिन इसमें अन्य जो भी पहलू है इनकी गिरफ्तारी और अनुसंधान से जो भी चीज़ें आएंगी उससे लेंगे। अब देखिए वो आसपास के रहने वाले हैं तो आपस में परिचित तो अभी ऐसे रहते ही हैं और लेकिन ये है कि इसमें यही मामला है कि प्रेम प्रसंग था जिसकी वजह से जो है उन लोगों ने इसकी नहीं। देखिए उसमें एक चीज़ और आ रही है कि कुछ लोग बता रहे हैं इसका, लेकिन कुछ लोग ये बता रहे हैं कि संभवतः इसका जो भाई था जो है चचेरा या समथिंग भाई था उससे जो है कि उसका जो है प्रेम प्रसंग था और संभवतः अगर कभी जो है लोगों में आपस में विवाद हुआ होगा तो जिसमें बीच बचाव किया था या रोका टोकी किया था तो उसी के क्रम में जो है कि हाँ उसी दिन देर रात्रि को हुई थी, देर रात्रि को। हाँ तो क्योंकि वो बताया जा रहा है कि जब नाच देखने गया था जब वो लोग यहाँ से उसको साइड में ले गए तो उसको मोबाइल बंद कर लिया, देर रात हत्या करके फिर उसको भेज दिया। और दूसरा मामला हमारा ये कोइलवर थाना अंतर्गत है। कोइलवर थाना अंतर्गत आप लोगों को ज्ञात होगा कि 5 अप्रैल को जो है एक 8-9 अपराधी जो हम लोग गिरफ्तार किए थे जो योजना बना रहे थे उसी में से जो एक और अन्य मुख्य अपराधी था धीरज पांडे जो कि वहाँ पे एक जो बालू क्षेत्र में जो है सक्रिय एक पांडे गिरोह है उसी में जो सत्येंद्र पांडे हैं उनका लड़का है धीरज पांडे, तो इसकी गिरफ्तारी अभी बाकी थी तो आज इसको गिरफ्तार किया गया है और इसको उस कांड में जो है जेल भेजा जा रहा है। इस तरीके से उस कांड में जो भी अभियुक्त थे उनकी पूरी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो गई है। अन्य महत्वपूर्ण घटना गिधा ओपी के अंतर्गत एक डकैती हुई होती और रोड पे जो घटना हुई थी तो ऑब्वियसली डकैती हो जाती है, जिसमें 4-5 लड़कों ने जो है मोबाइल और कुछ पैसे जो है एक रागी का मारपीट करके जो है छीन लिए थे जो है और उसमें कट्टा दिखा के उसको जो है धमकाए भी थे। तो उसी में से एक अभियुक्त जो गुल्लू जो है पिता धर्मपाल यादव ये रघु टोला का आरा नगर का रहने वाला था, इसी गिरफ्तारी पेंडिंग थी तो आज इसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। महिला कांस्टेबल को सर देखिए एक वीडियो हमारे सामने आया है और कल कुछ मीडिया बंधुओं के द्वारा आपने भेजा दिया था और आज जो है हमें ऑफिसर के माध्यम से भी प्राप्त हुआ है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए तुरंत अभी 24 घंटे के अंदर जो जांच करके एसपी साहब से उसको जो भी निलंबन की कार्रवाई है निलंबन की कार्रवाई करते हुए आगे जो भी विधि संगत कार्रवाई होगी उसके खिलाफ सुनिश्चित की जाएगी। अभी उनके द्वारा कोई आवेदन नहीं प्राप्त है लेकिन हम लोगों को मामला संज्ञान में आ गया है तो आवश्यक है ये 24 घंटे के अंदर हम जांच करके जो है निलंबित करके आगे कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो चीफ शशि भूषण सिंह की रिपोर्ट।